ये भुन गया। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें अंडे। ये सूजी ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया है, अभी फुल बनी हुई थोड़ी सी हुई है। इसमें मैं अब डालूंगी ये पिसा हुआ नारियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ नारियल का हलवा, और ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से। तो चलें फिर बनाते हैं नारियल का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं नारियल का हलवा, और इससे पहले मैंने टुकड़ी वाला बनाया था, ये हम सादा नारियल का हलवा बना रहे हैं, और इसमें अंडे भी डलेंगे। ये लिया है मैंने नारियल डेढ़ कप मैंने लिया है नारियल, एक कप सूजी और दो कप मैंने ली है चीनी, इसका हम शीरा बनाएंगे, तीन अंडे, एक कप इसमें घी जाएगा, और हसबे जायका इसमें हसबे ज़रूरत हम इसमें डालेंगे बादाम पिस्ते, दो इलायची के दाने भी हम यूज़ करेंगे। घी ले लिया मैंने एक कप, इसमें हम डाल देंगे इलायची के दाने कूट के, थोड़ा सा मेल्ट हो गया फिर इसमें हम डालते हैं इलायची के दाने इसमें डाल दिए थे मैंने, अब इसमें मैं डालूंगी ये सूजी, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा हाफ डन हो जाएगी ना, फिर हम इसमें जो नारियल यूज़ कर रहे हैं वो डाल देंगे। अभी थोड़ी सी ये हो जाए, भुन जाए अच्छे से डाल देंगे। ये सूजी ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज किया है, अभी फुल बनी हुई थोड़ी सी हुई है। इसमें मैं अब डालूंगी ये पिसा हुआ नारियल। अंडे मैंने फेंट के रख लिए हैं, अभी इसको भी भून लूंगी मैं कलर चेंज होने तक। ये सूजी भून गई है, इसमें मैं डाल दूंगी ये शीरा, दो कप पानी और दो कप ही चीनी भी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अभी ये इसमें पकेगी, और जब ये भुन जाएगा, भुनने के करीब आएगा, फिर हम इसमें फेंटे हुए अंडे डाल देंगे। ये भुन गया, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें अंडे। फेंट के रखे हुए हैं मैंने, तीन अंडे लिए थे हमने, इनको भी हम इसी तरह भून लेंगे ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कलर आप डालना चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ओरिजिनल का कलर ज़्यादा पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह से हलवा रेडी है, इसको मैं अब सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ना कवर लगा दूंगी। मेरी खाला की टिप है, इससे हलवा बहुत नरम और सॉफ्ट बनता है। बस 2 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि इसका स्टीम बने,
बिल्कुल लो फ्लेम है दम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये नारियल का हलवा रेडी। इसको मैं एक काजू बादाम पिस्तों से हम इसको गार्निश कर देंगे। चांदी के वर्क मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहे असल वाले जो मुझे चाहिए। वो पत्ते पत्ते से अच्छे नहीं लगते, मुंह में आते हैं। चांदी के वर्क तो असल वो होते हैं जो घुल जाए मुंह में, पता ना चले कि आपने कोई चीज़ डाली है। ये हो गया रेडी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।